सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, आज की वीडियो आपके लिए विशेष वीडियो होने वाली है और बिल्कुल टॉपिक से अलग हटकर वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं पीएनजे बिल्डर से हमारे पास आए हुए पारस मित्तल जी। वैसे तो बाय प्रोफेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको पता ही होगा, इनके बारे में जानते ही होंगे, टैक्स प्लानिंग के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आज कुछ ये और कुछ प्लानिंग करने के लिए बता रहे हैं आपको। आज ये आपको कुछ पैसा कमाने का जरिया बता रहे हैं, या आपकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने का जरिया बता रहे हैं, या आप अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन कैसे दें, ठीक है, उसके बारे में एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। तो आज इस प्रोजेक्ट पे हमने पहले चर्चा करी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोजेक्ट की चर्चा हमारे जो यूट्यूब कम्युनिटी है उन्हें भी पता लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, आप क्यों लेकर आए, ठीक है, आपके पीछे इसका पर्पज क्या था और हमारी ऑडियंस इससे कैसे बेनिफिट उठा सकती है, एक एक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। कपिल जी, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फैसिलिटीज वगैरह हमारे रेजिडेंशियल एरिया में नहीं मिल पाती जी। अगर हम किसी फ्लोर्स पे रहते हैं या हम किसी फ्लैट्स में रहते हैं तो एक बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं कहूंगा पूरे इंडिया में, क्या पूरे एशिया में, अच्छा, एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि एक जो एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारे घर की कि आज के बाद कल ये चाहिए परसों ये चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन ही ये खत्म कर देगा। नहीं, मतलब कि अगर आप कोई अपना ड्रीम होम सोच रहे हो तो ड्रीम होम में तीन चीज आती है कि भैया या तो अपनी जमीन लेके अपना घर बनवा लो, या दूसरा हमारा पर्पज होता है कि बिल्डर फ्लोर ले लो, या तीसरा हमारा पर्पज होता है कि भाई हम सोसाइटी में जाके घर ले लें। लेकिन जब सोसाइटी में जाते हैं कुछ मिस हो जाता है, जब बिल्डर फ्लोर में जाते हैं कुछ मिस हो जाता है, जब खुद का घर लेकर बनाते हैं कुछ मिस हो जाता है। लेकिन ये जो आपका प्रोजेक्ट है मुझे लग रहा है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये बिल्डर फ्लोर्स हैं और एक गेटेड कम्युनिटी में है, तो मेनली फ्लैट्स लोग ऑप्ट करते हैं क्योंकि आपको गेटेड कम्युनिटी और सिक्योरिटी का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे फ्लोर्स जो है आपकी गेटेड कम्युनिटी में है तो आपको वो सारे गेटेड कम्युनिटी वाले फीचर्स भी मिल रहे हैं, और बिल्डर फ्लोर का भी आपको पूरा जो एक होता है कि लैंड से आप जुड़े होते हैं, ठीक है, कि जी प्लस टू है या जी प्लस थ्री है फ्लोर्स, तो आप लैंड से भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो एक तरीके से आपका फ्लोर का भी पूरा जो है। अगर मैं इसे समझ पा रहा हूँ तो ये एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर आपने क्या करा, एक लैंड ले ली और उस लैंड पर अब आप कंस्ट्रक्शन करके एज ए बिल्डर फ्लोर आप सामने वाले को प्रोवाइड करा रहे जी। तो इसमें आप ये समझो कि आपको एक तो सोसाइटी का बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको सोसाइटी की जो भी फैसिलिटी होगी, क्योंकि जब मैं इस सोसाइटी के बारे में देख रहा था तो मतलब कि सोसाइटी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाह रहे हो तो उस चीज में वो आपको हेल्प करेगी। तो ये सोसाइटी देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी राजमहल में आ गए, और ये गुड़गांव से कितनी दूर है सोसाइटी? ये साउथ ऑफ गुड़गांव में पड़ती है, सेक्टर 33 सोना में, राजीव चौक, जो अगर ऑडियंस ने सुना होगा, राजीव चौक एक बहुत फेमस एरिया है गुड़गांव का, वहां से ये मुश्किल से 7-8 किलोमीटर अंदर है। और मेट्रो स्टेशन से अगर हम देखे तो मेट्रो स्टेशन इसके नियरेस्ट हुडा सिटी सेंटर पड़ता है, अभी एक्सटेंड हो रही है मेट्रो, अभी हुडा सिटी सेंटर से अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है, बट अभी प्रेजेंट अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें हुडा सिटी सेंटर से तो वो 12-13 किलोमीटर, तो 12-13 किलोमीटर है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये हाईवे है तो मेट्रो स्टेशन से 15 मिनट लगते होंगे मेरे हिसाब से, आइए 15-20 मिनट। तो इसमें देखिए बहुत लेविश इंटीरियर है इन फ्लोर्स का, और हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं कि आप विद इंटीरियर लेना चाहें या विदाउट इंटीरियर लेना चाहें, 3 बेडरूम के भी ऑप्शंस हैं, 3+ सर्वेंट के भी ऑप्शंस हैं, 3+ सर्वेंट+ स्टडी के भी ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं विद इंटीरियर, विदाउट इंटीरियर, 3 बेडरूम, 3 बेडरूम+ स्टडी सर्वेंट, और इसमें जो स्टार्टिंग रेंज है हमारे इन फ्लोर्स की वो भी बता देते हैं कि 5 करोड़ की इसमें स्टार्टिंग रेंज है, 5 करोड़ की स्टार्टिंग रेंज है 240 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर की। तो ये 5 करोड़ का वो भैया कैसे दिलवाओगे 5 करोड़ का, तो ये तो मतलब इसमें हम फैसिलिटीज देखते हैं। अच्छा। जब आप फैसिलिटीज देखेंगे तो जो आप एक रिसोर्ट में जाते हैं 50,000 पर डे का रेंट देते हैं सिर्फ एक रिसोर्ट में फैसिलिटीज के लिए, वो सारी फैसिलिटीज अब आपके घर के पास होंगी। तो इसका मतलब तो ये है कि 5 करोड़ का ले लो, इसे रिसोर्ट ही बना दो भाई साहब, क्योंकि 5 करोड़ रुपए अगर आप इसमें लगाते हो, देखो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इसे देखना चाहते हो या अपना रहने के लिए देखना चाहते हो
बताऊं तो 5 करोड़ से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन एक बार इसकी फैसिलिटी बताओ फिर हम देखेंगे ये प्राइस जस्टिफाई है या नहीं। जी, तो अभी जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं अभी वीडियो में, जी जी, सब वीडियो में देख रहे हैं, ये 3 बेडरूम्स वाला हम इसमें सैंपल दिखा रहे हैं, और ये जितना भी इंटीरियर है बेडरूम का, इवन बेड, इवन आपके वार्डरोब्स, इवन आपका पूरे वॉल्स, एसी भी दिखाई दे रहा है, एसी भी तो गए जी, जो फिनिशिंग के साथ लेगा, हाँ, जो इंटीरियर के साथ, हाँ, लेगा उसको बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है सैंपल, मतलब एसी भी उसमें साथ में, फिनिशिंग, इंटीरियर, सारे वॉल पेपर, सिंक्रोनाइजेशन, टीवी यूनिट्स, वार्डरोब्स, सब एज इट इज मिलेगा जो इसमें दिखाया जा रहा है, जो की इंटीरियर फिनिशिंग। ये तो आप सारा लिख कर दोगे ना कि भाई आप इसके अंदर जो चीज लगा रहे हो जैगवार की लगा रहे हो, जी जी, किस चीज का, कौन सी आप टाइलें यूज कर रहे हो, कौन सा लकड़ी का वार्डरोब बना रहे हो, कौन से के बेड बना रहे हो, सारा आप एक रिटर्न में आपके पास है, ये पूरी स्पेसिफिकेशंस के साथ दिया जाएगा आपके साथ, प्रॉपर एग्रीमेंट टू सेल होगा, जैसे आप यही मान लीजिए कि बिल्डर से ले रहे हैं, हम भी जैसे प्राइवेट बिल्डर की तरह ही इसमें डील कर रहे हैं, तो आप जैसे बिल्डर से लेते हैं, आप एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं या बिल्डर बाय एग्रीमेंट करते हैं, उसके टाइम, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल जो है कंस्ट्रक्शन का टाइम लगेगा, आपकी बुकिंग के बाद आपको 1.5 साल के अंदर इसका पोसेशन दे दिया जाएगा, और पोसेशन के टाइम पे आपको ये सारा फिटिंग फिटमेंट करके और पूरा फाइनल पूरा पोसेशन के लिए आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेते हैं तो इसमें एप्रिसिएशन कितना हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क का एक ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क द रिसोर्ट्स करके, और मैं आपको बताऊं कपिल जी, सेंट्रल पार्क रिसोर्ट्स में अगर मार्केट का रेट वहां पे अगर 20-25 हजार रुपए फुट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का रेट 40 हजार रुपए फुट चलता है, ठीक है, मार्केट से बिल्कुल डबल चलता है, क्योंकि सेंट्रल पार्क इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है गुड़गांव में, और वो बिल्कुल 7-star लग्जरी फैसिलिटीज बनाते हैं, क्योंकि उनके जो ओनर है मिस्टर बख्शी, वो मैरियट के होटल चेन के ओनर है, राइट, तो वो एक 7-star फैसिलिटीज जो देने का वो है उनका विजन, वो उनका बहुत क्लियर है। अच्छा नहीं, इसमें जैसे मान लो मैं रहना नहीं है मुझे, लेकिन मान लो मेरे पास फंड्स है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें मुझे कितना रिटर्न आप एश्योर दे देंगे? इसमें आप ये लगा लीजिए कि जब तक 1.5 साल का प्रोसेशन टाइम आएगा, आपका मिनिमम 30-40% जंप हो चुका होगा, राइट, और ये हम एक यूनिक फैसिलिटीज, आप अगर देख रहे हैं स्क्रीन पे, यूनिक फैसिलिटीज हम बता रहे हैं कि जो आपको हमारे साथ जुड़ने पे क्या मिलेगा, जो कि डिफरेंट है बाकी सबसे। एक तो इसमें जो आपको प्लॉट एरिया, जैसे मैंने 240 स्क्वायर यार्ड बोला, तो 2160 स्क्वायर फीट बनता है, आपको एग्जैक्टली बिल्टअप एरिया भी 2160 मिलेगा, क्योंकि स्टिल्ट में हम आपको सर्वेंट रूम और एक गेस्ट लाउंज आपका एक तरीके से गेस्ट के साथ मिलने के लिए। मेरे हिसाब से आप इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें 3 ही फ्लैट बना रहे हैं, और 240 बहुत बड़ा एरिया होता है 2100 स्क्वायर फीट, तो आप क्या करते हो उसमें पार्किंग देने के बाद आप उस एरिया में सर्वेंट रूम और मतलब उस तरह की चीजें आप बना, बेसिकली आपको बिल्ट अप एरिया मिल गया, राइट, ठीक है, एक जो आपका यूनिट है, आपका जो फ्लोर यूनिट है, उस पर तो लोडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि आपको बालकनी छोड़नी होती है और ओपन एरिया छोड़ना होता है, तो वो सब बालकनी तो इवन इंक्लूड होती है बिल्ट अप एरिया। इसमें 2 पार्किंग आप दे रहे हैं? हाँ जी, 2 पार्किंग इसमें मिलेंगी, प्लस हम इसमें एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन टाइम 1.5 साल का, उसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या है कि आप जितने भी बिल्डर्स के साथ बुकिंग करते हैं, आप अपनी अमाउंट दे देते हैं और आपको कंस्ट्रक्शन के बाद मिलता है 2-3 साल बाद, तो वो 3 साल का आपको नुकसान हो रहा होता है आपके पैसे का, ठीक है, यहाँ पे हम आपको 9% उसकी एश्योर रिटर्न। नहीं मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया बुकिंग पे, कि भाई मेरा 1 करोड़ रुपया लेके बुक करा दो, तो आप मुझे 9% जो है पर हर महीने दोगे क्या? बुकिंग के टाइम पे इसमें जैसे आपने 1 करोड़ दिया, बट उसके बाद जो बाकी भी आपने इंस्टॉलमेंट देंगे 5 करोड़ जो आप टोटल देंगे, ये आप 7 से 8 महीने के अंदर दे देंगे, बट आपको कंस्ट्रक्शन करके जो पोसेशन मिल रहा है वो 1.5-2 साल बाद मिल रहा है, तो 2 साल तक आपको पूरा उसका 9% मिलता है, ब्याज दोगे आप मेरे को, तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा जी, बिल्कुल, ठीक है, वो राहुल गांधी वाला तो नहीं है कि मतलब आएगा ना सचमुच में? बिल्कुल आएगा, हाँ ठीक है, वो मतलब पूरा 2 ईयर्स इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आफ्टर बुकिंग है, पोस्ट प्रोसेशन 2 ईयर्स मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं। अच्छा, ये भी वेरी फर्स्ट टाइम है कि जो भी मेंटेनेंस एजेंसी से हम उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, और बीइंग अ प्राइवेट बिल्डर फ्लोर, ये बहुत फर्स्ट टाइम ऐसे आपको मिल रहा है कि पोस्ट प्रोसेशन 2 साल की मेंटेनेंस फ्री मिल रही है। सर्वेंट रूम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्टेट पार्किंग में मिल रहा है, लाउंज भी हमने डिस्कस किया, और 2 पार्किंग्स मिल रही है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हो इसमें जकूजी वगैरह भी कर रखा है, टेरेस की फैसिलिटीज है, ये पार्टी स्पेस है आपको टेरेस में, बार एरिया है आपका टेरेस में, ठीक है, आपको जकूजी था, जैसे डेक व्यू है, डेक व्यू बहुत फर्स्ट टाइम आ रहा है, आपको पूरी सोसाइटी का व्यू मिलेगा, ओपन जिम एरिया है अच्छा टेरेस
बेसमेंट, फिर ये बेसमेंट की कुछ फैसिलिटीज है, जैकूजी, मिनी थिएटर। ओके, मतलब तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना है ना, मतलब इसी बिल्डर फ्लोर में मैं तो पहली बार देख रही हूं। हाउस है आपका, जो होम है वही आपका रिसोर्ट है, वही आपकी पूरी फैसिलिटीज एमिनिटीज है, आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, ये क्रिकेट स्टेडियम वगैरह ये सोसाइटी के अंदर है। अच्छा, ये सोसाइटी के अंदर है। आपके लॉन टेनिस, आपका बैडमिंटन, आपका इंडोर स्केटिंग रिंग, तो ये सब सोसाइटी वाले एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सारे सोसाइटीज के लिए कॉमन शेयर्ड है। इससे मेंटेनेंस कोई ज्यादा तो नहीं होगा ना? नहीं, मेंटेनेंस बहुत लिमिटेड होता है इसका। रेजिडेंशियल वाला ही जो गुड़गांव में चलता है, रेजिडेंशियल रफली 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट चलता है। ओके, उसी के आसपास इसका मेंटेनेंस होगा। तो ये सारे आपके जो ग्राउंड्स हैं, सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इसमें बहुत अच्छे, मतलब बच्चों को कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। इसी में बच्चा आएगा, ट्रेनर्स वगैरह यहीं पर रहेंगे और सारी चीजें यहीं से हो जाएंगी, राइट जी। अच्छा, इसमें मैं ये देख रहा था, ये हॉर्स रेसिंग वगैरह भी है और गोल्फ वो भी हम आगे दिखाएंगे अभी इस प्रोजेक्ट में। तो ये गोल्फ कोर्स, राइट? गोल्फ कोर्स में 9 होल गोल्फ कोर्स है ये। ओके, और फुली डेवलप्ड फैसिलिटी है गोल्फ कोर्स की। जो आप एक गोल्फ कोर्स रिसोर्ट में 50,000 रुपीज का रेंट देते हैं पर डे, ये आपको पूरा कर गया। गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप होती है, गोल्फ कोर्स के रिसोर्ट्स है, वहाँ पे जो डेली रेंट, जो रूम रेंट आप देते हैं 50,000 पर डे भी देते हैं सिर्फ इस फैसिलिटी को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे आपके घर के डोर स्टेप पे पूरा गोल्फ कोर्स है। अगर आप कोई व्यक्ति गोल्फ सीखना चाहे, बच्चों को सिखाना चाहे, तो यहाँ पर अकेडमीज होंगी, ट्यूटर्स होंगे, सारे टीचर्स होंगे। बहुत बड़े एरिया में मुझे लग रहा है पूरी सोसाइटी। 250 एकड़ की टाउनशिप है जो कि अभी ऑलरेडी डेवलप्ड है, और 250 एकड़ की इसके बाद और डेवलप होनी है जो कि एक्सटेंशन फेज है इसका नेक्स्ट। तो 500 एकड़ की ये टाउनशिप है। तो ये देखिए, ये एक किड्स एरिया है, ऐसे एक किड्स एरिया आपने अपने उसमें बना दिया बिल्डिंग में। ये बेसिकली हर ब्लॉक के साथ है। तो हमारा जो बिल्डर फ्लोर है वो डी ब्लॉक में है, तो डी ब्लॉक में ये किड्स एरिया बिल्कुल हमारे बिल्डर फ्लोर के पास है। बट ऐसे 9 किड्स एरिया और हैं पूरे सोसाइटी में। और आपने सर घर में भी कुछ किड्स एरिया बना रखा है या नहीं? वो मिनी किड्स एरिया बेसमेंट में, जस्ट टू एंजॉय कि भाई आप बाहर बच्चे कई बार खेलने के लिए। और ये नहीं तो बाहर आ जाओगे तो बाहर तक सोसाइटी में तो पूरे 9 किड्स एरिया है ऐसे। ये अभी सिंगल किड्स एरिया है जो डी ब्लॉक के बिल्कुल पास है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये फोन नंबर भी, अगर आपको किसी को बात करनी है तो आप उसे पूरा साइट विजिट भी करा देते हैं। मेट्रो से ले जाएंगे, उसे साइट विजिट करा देंगे, या वो अपने उससे आ जाए। ठीक है ना? तो मुझे कब करा रहे हो इसकी साइट विजिट? आप जब भी चलना चाहो। ठीक है, नहीं मैं बहुत जल्दी इसे देखता हूँ। ठीक है ना भाई, ले वो या ना लूँ वो बात की बात है, कम से कम तुम्हारे साथ इसमें एक बार साइट विजिट कर लूँ। ये सोसाइटी है भी देखने लायक, क्योंकि ऐसी सोसाइटी मैंने तो खैर पूरे इंडिया में क्या एशिया में नहीं देखी। ये सब वो बना के देंगे सर। स्कूल बना हुआ है। ओके, आपका प्री स्कूल है इसमें, प्ले प्लस प्री स्कूल दानिया करके, ये भी सोसाइटी के अंदर है। नहीं, बहुत बढ़िया। ये एक रेस्टोरेंट है, द नेक्टर। अच्छा, ठीक है, ये आपका मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है, ये भी सोसाइटी में अभी ऑपरेटिव है। ओके, तो मतलब सोसाइटी में, मतलब मेरे हिसाब से रिहायश वगैरह शुरू हो गई है जी। और मतलब कि अगर आप कोई व्यक्ति अभी शिफ्ट होना चाहे, अभी अपनी बुकिंग करना चाहे, तो वो सारी चीजें कर सकता है। 1000 से ऊपर फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है। ओके, उसकी पूरी फैसिलिटीज एंजॉय कर रही है, और वो फैमिलीज बढ़ती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटी डेवलप होती है। यहाँ पर ये जो मैं देख रहा हूँ, ये फ्लैट सिस्टम भी चल रहा है, साथ साथ 8-8 फ्लैट्स भी है, तो ये क्या है? क्योंकि ये पूरी 250 एकड़ की टाउनशिप है, तो इसमें इवन स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, विलास भी हैं। अच्छा। बिल्डर फ्लोर तो हमारे बने ही हुए हैं, तो वो तो आप देख ही सकते हैं, सैंपल भी देख सकते हैं। और पूरी सोसाइटी, मतलब आप पूरी सोसाइटी के अंदर डील कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लेना चाहे। हाँ। भाई मान लो कम से कम में कितने में होता है? जैसे ये तो 5 करोड़ वाला, तो चलो मैं बाद में देखूंगा, दूसरे वाला कितने? स्टूडियो अपार्टमेंट भी यहाँ पे जो आप कह लो कि जो आपका 1000 फुट का स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, उसकी भी स्टार्टिंग रेंज 4 करोड़ है। अरे भैया, फिर तो तुम्हारा ही वाला ठीक है, तुम्हारा 240 वाला तो है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं देखना तो चाहूंगा ये कि भाई ये ऐसा क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये मतलब तुमने क्या कर रखा है? इतना नेचुरल हैबिटेंट है यहाँ पे, ये फिशिंग पॉन्ड है, तो फिशिंग पॉन्ड के सारे जो वैन्स वगैरह है वो घूम रही है इसमें। ठीक है, डक्स। तो ये जब हम विजिट करने आएंगे, साइट विजिट, ये मिलेगी ना सब चीजें हमारे को? ये टोटली नेचुरल हैबिटेंट है, गजीबोस हैं, मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट के कंसेप्ट पे ये गजीबोस बन रहे हैं। अच्छा,
क्योंकि जैसे अंडर डेवलप्ड ये फैसिलिटी है, मैंने अभी बताया कि अभी 250 एकड़ और डेवलप होनी है, तो ये जो गजीबोस है इस पे पूरे मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट्स बनेंगे। ये अभी डक्स का फिशिंग पॉन्ड जो है ये डेवलप हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि अभी खस्ता हालत में है, बट ये पूरा धीरे मतलब डेवलप हो रहा है, मतलब अभी एक बार इन्हें आदत डाली जा रही है बत्तखों को, भाई तुम्हें यही रहना है, स्टार्ट हो चुका है कि जितनी फैमिली रह रही है वो एटलीस्ट नेचुरल हैबिटेट में एंजॉय कर सकती है। राइट राइट, तो इसके ये तो एक तरीके से पिकनिक स्पॉट टाइप का भी हो गया, अगर कहीं जाके हम पिकनिक स्पॉट, ये पूरा रिसोर्ट ही है। आप इंडिया के बड़े से बड़े रिसोर्ट भूल जाओगे जब आप इस सोसाइटी में रहने आओगे, क्योंकि आपको हर फैसिलिटी जो कि एक रिसोर्ट में अवेलेबल होती है वो आपके घर पे ही अवेलेबल होगी, डोरस्टेप पे अवेलेबल होगी। अच्छा, ये वाले जो स्विमिंग पूल वगैरह है ये सोसाइटी के अंदर भी होंगे? हाँ जी, ये पूरी फिनिशिंग स्टेज पे दिखाया हुआ है, ये बेसिकली एक शोकेस दिया हुआ है। ये ऐसे पूरे टनल्स बन रहे हैं क्योंकि नाम ही फ्लावर वैली है इस प्रोजेक्ट का, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, तो इसमें पूरे फ्लावर्स के टनल्स बनेंगे। राइट, ये स्विमिंग पूल दिखाया हुआ है, 24/7 का स्विमिंग पूल बनेगा इसमें, हॉट एंड कोल्ड वाटर बोथ का। ओके, ये हॉर्स राइडिंग इसमें बहुत यूनिक फीचर है, हॉर्स राइडिंग की पूरी फुली डेवलप्ड फैसिलिटी बन रही है, 50 हॉर्सेस ऑलरेडी हैं जो कि अभी आप हॉर्स राइडिंग सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी है ये चीजें, अगर हम बच्चे को मतलब समर हॉलीडेज वगैरह में ले जाके सिखाना चाहे तो वो चीजें, हॉर्स राइडिंग की फुली डेवलप्ड फैसिलिटी यहाँ पे बन रही है, 50 हॉर्सेस अभी है और भी हॉर्सेस इसमें एड होते जा रहे हैं। और ऐसी हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी के लिए आपको कम से कम 300-400 किलोमीटर भी चलना पड़ता है कई बार। की नहीं नहीं, यहाँ पे मैं देख ही नहीं रहा, मैं तो मतलब गोल्फ भी मैंने देखा था कहीं जाके दूर दूर दिल्ली में आसपास, मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता। लेकिन ये सोसाइटी के लोगों के लिए भी होगा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल सोसाइटी के लिए फुली एक्सेसिबल होगा। अच्छा। जितनी फैसिलिटीज यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सारी आपको एक्सेसिबल होंगी जब आप बिल्डर फ्लोर लेंगे या आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेंगे या विला लेंगे या प्लॉट लेंगे, कुछ भी लें आप। ये एक और यूनिक फीचर है, क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम आपने पूरे किसी भी टाउनशिप में नहीं देखा होगा। कितनी भी बड़ी टाउनशिप हो, नेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम इन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे आप पर डे के हिसाब से अपनी बुकिंग करो, गेस्ट बुलाओ, पूरी टीम्स बुलाओ और क्रिकेट मैच करो, कॉर्पोरेट मैचेस करो, रिलेटिव्स के साथ मैचेस करो, कंप्लीट आपको नेशनल लेवल का क्रिकेट। मतलब ये है कि अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, उसे स्पोर्ट्स में लेके जाना है, उसे हॉर्स राइडिंग में लेके जाना है, उसे गोल्फ खिलाना है, उसे ये सारी चीजें करानी है, देन उसके लिए बहुत बेटर चीज है। कई बार जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने गुड़गांव में देखे हैं वहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी क्रिकेट पिच होती है, ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, बैटिंग भी ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे आपका क्रिकेट स्टेडियम है तो बच्चे पूरा एंजॉय कर सकते हैं। राइट, फिश आपका फिशिंग पॉन्ड है, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, आपका जो गजीबोस है वहाँ पे मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट में फूड का आप एंजॉय कर सकते हैं, फिर आपका जो गोल्फ कोर्स है वहां पे आप फ्रेंड्स को बुला के गोल्फ खेल सकते हैं। तो एक बिल्कुल रिसोर्ट टाइप जो लिविंग है, रिसोर्ट स्टाइल जो लिविंग है, उसका ये पूरा लुक एंड फील आपको दे रहा है, एक पूरी एंजॉयमेंट दे रहा है। पावर बैकअप वगैरह सब चीजें आपने रखी, और ऑब्वियसली जैसे आपने सुना होगा ना, लग्जरी तो हमेशा एक्सपेंसिव आती है। नहीं, लग्जरी एक्सपेंसिव पर देखना तो बनता है ना। 250 एकड़ की और भी एक्सपेंशन हो रही है, वहाँ बिल्डर खुद भी बहुत कुछ लाएगा, जो हमने बिल्डर फ्लोर लाए हुए हैं उसके अलावा बिल्डर भी बहुत कुछ लेके आएगा। ये ग्रोसरी स्टोर है प्रोजेक्ट के अंदर है, यहाँ से आप पूरा लॉन्ड्री करवा सकते हैं, अपना मेडिसिन ले सकते हैं, आप ग्रोसरी ले सकते हैं, और कैफे भी है यहाँ पे, कॉफी हाउस भी है, तो ये पूरा आपका इनबिल्ट आपका ग्रोसरी स्टोर है। आपको बाहर जाके रेंट पे दिला दो, दो चार दिन के लिए ना, मैं तो 2-4 दिन के लिए आ जाता हूँ यहीं पे, छुट्टियां मना ले तो नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल रेंट पे वहां पे लेते हैं, मतलब जितने भी आपके फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स, जिनको बेसिकली एक अल्ट्रा लग्जरी लिविंग का शौक है, एंजॉय करना चाहते हैं, या इवन बिजनेसमैन या इवन सैलरीड हाई सैलरीड, मतलब देखना तो बनता है। नहीं, एक बार वहां पे स्पेशली वो रेंट पे लेके वहां पे रहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट एक साल इन फैसिलिटीज का एंजॉयमेंट कर सके। राइट, नहीं सही है, ये हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं राजीव चौक से। अच्छा, राजीव चौक से ये पूरा हाईवे है, सोना हाईवे जो पूरा बना हुआ है, ऑलरेडी ऑपरेटिव है, और यहाँ से आपका ये 8-10 किलोमीटर सीधा जो हाईवे है आपको सीधा सोना पहुंचाता है, सेक्टर 33 यहाँ ये प्रोजेक्ट है, और इसी प्रोजेक्ट के बहुत पास से अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी ऑपरेटिव हो चुका है, वहाँ पे आप वडोदरा और जो आपका मुंबई का रूट है पूरा, वो आपका वहां से
बिल्कुल जुड़ता हुआ है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के अंदर आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। आपका प्रेजेंट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो सबसे पॉश एंड सबसे एक्सपेंसिव एरिया है वो यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। वाटिका चौक जो कहते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास जो है वहां से ये बिल्कुल कनेक्ट होता है सीधा सोना का। तो यहाँ तो आगे रहने लग जाओ, बड़े क्लाइंट भी मिल जाएंगे मुझे जीएसटी के। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आपका पास है, एसपीआर रोड पास है, द्वारका एक्सप्रेसवे पास है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पास है, आपकी जो पूरा राजीव चौक है सेंट्रल गुड़गांव का पूरा वो पास है, हॉस्पिटल्स पास होंगे, हॉस्पिटल्स मल्टी हॉस्पिटल्स है, मल्टी कॉलेजेस है, स्कूल्स होंगे, बढ़िया। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है पूरी वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है। चलो तो मैं बहुत जल्दी प्लान बनाता हूँ कि आपके यहाँ पर आकर एक बार इस प्रोजेक्ट को देखो। और अगर आप लोग भी देख रहे हो अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हो तो एक बार देखना तो बनता है, दिल्ली एनसीआर के पास हो, लेना ना लेना बात की बात है, लेकिन देखना एक बार बनता है। तो सर का नंबर नोट करो, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या परचेज करने के पर्पज के लिए आप उसे जरूर विजिट करो। सर इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे क्या? नहीं, बस आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, सर से कॉन्टेक्ट करके जरूर आइए। धन्यवाद।